ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद 83 लोग मैदान में बचे हैं। ये चुनाव 27 मई को होंगे और वोटों की गिनती का काम 28 मई को होगा। We have got 34 withdrawals, 3 for the post of mayor, 1 for the post of deputy mayor, and 30 for the post of various councillors in different wards. So as of now, there are 7 contesting candidates for mayor and 5 for deputy mayor, and there will be total number of contesting candidates will be 95. उधर हमीरपुर में मिड डे वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मिड डे वर्कर्स का आरोप है कि उन्हें सिर्फ 1000 रूपये वेतन दिया जाता है, जो आज की महंगाई को देखते हुए काफी कम है, और छुट्टी लेने पर उनका वेतन काट भी लिया जाता है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित CITU धरने का आयोजित कर रही है, क्योंकि मिड डे मील वर्कर कई सालों से अपने काम में लगे हैं, मगर अभी तक उनको सिर्फ 1000 रुपया वेतन दिया जाता है। ना तो उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, ना तो न्यूनतम वेतन दिया जाता है, और जो वेतन दिया जाता है वो भी 4-5 महीने बाद दिया जाता है। यहाँ तक कि जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों का भी पैसा काट लिया जाता है। आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम न्यूनतम वेतन की मांग सरकार से करें। वो क्योंकि सरकार का काम करते हैं।